हेलो वीवर्स दिस इज महमूद इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द मोड व्हाट इज़ मोड मोड इज़ द थर्ड मेयर ऑफ एवरेज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड द मोड मोड जो है वो थर्ड मेयर है एवरेज की और ये डेटा सेट में वो वैल्यू होती है जो कि सबसे ज़्यादा अकर हुई होती है लेट से आपके पास एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट में एक वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वो वैल्यू जो होगी वो उस डेटा सेट के लिए मोड कहलाएगी क्लियर मजीद इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फाइंड द मोड ऑफ द साइनिंग बोनस ऑफ एट नेशनल फुटबॉल लीग प्लेयर्स फॉर ए स्पेसिफिक ईयर

सो so, हमने डेटा को अरेंज कर ली असेंडिंग ऑर्डर में सो सिंस टेन मिलियन डॉलर्स अकर्ड थ्री टाइम्स अगर आप इस डेटा सेट में देखें तो टेन जो है एक ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा अकर हुई है राइट दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी लार्जर देन एनी अदर नंबर सो इस डेटा सेट का जो मोड होगा वो टेन होगा सो द मोड इज़ टेन मिलियन डॉलर्स नोट ए डेटा सेट दैट हैज़ ओनली वन वैल्यू दैट अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ सेट टू बी यूनी मॉडल अगर आपके पास एक डेटा सेट है और उसमें एक वैल्यू ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वो उस डेटा सेट के लिए मॉड होगी लेकिन फिर ऐसे डेटा सेट को हम यूनी मॉडल कहेंगे या आप ये कह सकते हैं कि अगर एक डेटा सेट का सिर्फ एक ही मॉड हो तो वो डेटा सेट जो होगा वो यूनी मॉडल कहलाएगा इफ ए डेटा सेट हैज़ टू वैल्यूज दैट अकर विद द सेम ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी बोथ वैल्यूज आर कंसिडर टू बी द मॉड एंड द डेटा सेट इज सेड टू बी बाई मॉडल अगर आपके पास एक डेटा सेट गिवन है और उस डेटा सेट में दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है राइट right? लेकिन वो फ्रीक्वेंसी आपस में सेम है लेट्स से अगर आपके पास एक डेटा सेट है उसमें एक वैल्यू की जो फ्रिक्वेंसी है वो फाइव है और जो दूसरी वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फाइव है तो ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी ये इस डेटा सेट के लिए मॉड कहलाएंगे लेकिन फिर इस डेटा सेट को हम बाई मॉडल कहेंगे नेक्स्ट इफ अ डेटा सेट हैज़ मोर देन टू वैल्यूज़ दैट अकर विद द सेम ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी

क्लियर यानी अगर एक डेटा सेट है उसका मॉड एक ही वैल्यू है तो हम उस डेटा सेट को यूनी मॉडल कहेंगे और एक डेटा सेट गिवन है उसके जो मॉड हैं वो दो वैल्यूज़ हैं तो वो जो डेटा सेट होगा वो बाई मॉडल होगा और एक डेटा सेट गिवन है उसमें जो है मॉड जो है उनकी तादाद दो से ज़्यादा है तो वो जो डेटा सेट होगा वो मल्टी मॉडल कहलाएगा सो so, when नो no data वैल्यू अकर्स मोर देन वंस द data सेट इज़ said टू हैव नो मॉड अब ऐसे डेटा सेट भी हमारे पास होते हैं कि जिनकी कोई मॉड नहीं होती ये तब आपके पास होगी जब आपके पास उस डेटा सेट में कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा अकर ना हुई हो तो उस डेटा सेट का कोई मॉड नहीं होगा नेक्स्ट a डेटा सेट कैन हैव वन मॉड मोर देन वन मॉड आर नो मॉड एट ऑल तो डेटा सेट का या तो एक ही मॉड होगा या एक से ज्यादा मॉड होंगे और या कोई भी मॉड नहीं होगा नेक्स्ट द मॉड फॉर ग्रुप डेटा इज द मॉडल क्लास अब जब आपके पास ग्रुप डेटा गिवन हो तो उस ग्रुप डाटा का जो मॉड होगा वो मॉडल क्लास होगी लेकिन मॉडल क्लास क्या है सो द मॉडल क्लास इज़ द क्लास विद द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी यानी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही क्लास मॉडल क्लास कहलाएगी